जब भी बात होती है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा सफल विकेटकीपर कौन होगा, आप सबके दिमाग के अंदर सिर्फ एक नाम आता होगा, वो है धोनी का। धोनी ने जिस तरीके से वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म करा है, आप कह सकते हैं भाई बड़े बड़े मौकों पर टीम इंडिया के लिए धोनी ने बड़े बड़े मौकों पर परफॉर्म करके दिखाया। उसके अलावा जिस तरीके से वो विकेट कीपिंग से अपने मैचेस पलट देते हैं, स्टंपिंग से मैचेस पलटते हैं, उसके अलावा आपको याद होगा जिस तरीके से वो विकेट के पीछे गाइडेंस देते हैं गेंदबाजों को रोटेट करवाते हैं, बीच बीच के ओवर्स के अंदर बल्लेबाजों को ओवर्स दे देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 2011 वर्ल्ड कप के अंदर सचिन तेंदुलकर को ओवर दिया था, उसके अलावा बार बार मौके पर विराट कोहली को भी गेंदबाजी करवाने में मजबूर किया था। तो ऐसे कुछ फैसले जो धोनी को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वर्ल्ड कप के इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा सफल विकेटकीपर कौन है, आप सब बोलेंगे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए एक बार लिस्ट की तरफ नजर मारते हैं कि वर्ल्ड कप के इतिहास के अंदर कौन से हैं वो टॉप 5 विकेटकीपर्स। यहाँ पर पांचवें नंबर पर आता है साउथ अफ्रीका के मार्क बाउचर। इनका जो क्रिकेटिंग करियर था वो काफी ज्यादा एस्टोनिशिंग था, जहां पर इनकी शुरुआत काफी ज्यादा अच्छी हुई थी। विकेट कीपर्स के इतिहास के अंदर आज भी सबसे ज्यादा सफल विकेट कीपर मार्क बाउचर है। इनके एक्सीडेंट के तौर पर आंख के ऊपर इनकी कुछ चोट वोट लग गई थी, उसके बाद से ये विकेट कीपिंग करना ही पे इनको रिटायरमेंट लेना पड़ा। लेकिन मार्क बाउचर एक ऐसा खिलाड़ी रहा जिसको विकेट कीपिंग करना शायद बचपन से ही आता था। ये एक ऐसा टैलेंट था जो पैदा होते के साथ ही मार्क बाउचर के अंदर था। ये अपने दम पर सिर्फ बतौर विकेट कीपर भी किसी भी 11 के अंदर जगह बना सकते थे। भाई मार्क बाउचर का क्या रिकॉर्ड है, आइए जानते हैं। मार्क बाउचर ने साउथ अफ्रीका के लिए वर्ल्ड कप में 25 मुकाबले खेले हैं, जिसके दौरान उन्होंने 31 खिलाड़ियों को विकेट से पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो पांचवें नंबर पे मार्क बाउचर, उसके ऊपर कौन आता है, उसके ऊपर आता है भाई ब्रेंडन मैकलम। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर ब्रेंडन मैकलम यहाँ पर चौथे स्थान पर आते हैं। तो ब्रेंडन मैकलम ने 34 मैचों के अंदर 25 इनिंग्स में विकेट कीपिंग के पीछे से 32 बल्लेबाजों का शिकार किया है। उन्होंने 30 कैच पकड़े हैं, वहीं 2 स्टंप किए। अब यहाँ पर पांचवें नंबर पर है मार्क बाउचर, चौथे नंबर पर है ब्रेंडन मैकलम। अब तीसरे नंबर पर कौन आता है भाई, तीसरे नंबर पर आते हैं नंबर 7 MSD महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ पर तीसरे स्थान पर है, पहले 2 स्थान पर कौन होगा, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रेस बन चुकी है। पांचवें नंबर पर आपके आगे कौन, मार्क बाउचर, चौथे नंबर पर ब्रेंडन मैकलम, तीसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के वनडे वर्ल्ड कप के अंदर महेंद्र सिंह धोनी ने 29 मुकाबले खेले, जिसके दौरान उन्होंने 42 बल्लेबाजों का शिकार किया है। माही के नाम वर्ल्ड कप इतिहास के अंदर 34 कैच और 8 स्टंपिंग दर्ज है। तो चौथे यहां पर तीसरे नंबर पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट ने 45 कैच और 7 स्टंपिंग की है, 52 विकेट कुल मिला के इन्होंने 52 बार पवेलियन भेजा बल्लेबाजों को 31 मुकाबलों के अंदर। तो ये भी एक एस्टोनिशिंग रिकॉर्ड। उसके बाद आखिरी खिलाड़ी नंबर 1 पर कौन है, नंबर 1 पर है भाई श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा। कुमार संगकारा ने 37 मुकाबले खेले, जिसके दौरान उन्होंने उनकी अपनी टीम के लिए 54 सफलताएं हासिल की है। विकेट के पीछे संगकारा ने 41 कैच, 13 स्टंपिंग और कुल मिलाकर 54 बल्लेबाजों का शिकार किया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और खैर श्रीलंका के पास हमेशा वो स्पिनर्स रहते हैं और कुमार संगकारा ने ज्यादा मैचेस खेले हैं। आप देख सकते हैं कुमार संगकारा लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, तो उन्होंने बार बार वर्ल्ड कप खेले और कुमार संगकारा के सामने गेंदबाजी होती थी मुथैया मुरलीधरन, सूरज रणदीप होते थे, तो बड़े बड़े स्पिनर्स होते थे संगकारा के सामने। और कहीं ना कहीं वो चैलेंज भी होता था कि कैसे इनकी गेंदों को समझा जाए, बतौर बल्लेबाज नहीं बतौर विकेट कीपर भी, कि कैसे इनकी गेंद को कलेक्ट किया जाए। तो 54 शिकार के साथ कुमार संगकारा इज एट द टॉप। आप अपने लिस्ट बताइए कि भाई आपको कैसी लगी पूरी ये वीडियो। महेंद्र सिंह धोनी पर तीसरे नंबर पे थे, आप क्या उम्मीद कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 1 के ऊपर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।